पहुंचाने के लिए आप जो शेयर और लाइक करते हैं उसके लिए हम आपके आभारी हैं। देखते रहिए बीएस क्राइम इंडिया न्यूज़। नमस्कार। नमस्कार, बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ओर से मैं आमिश राहाशी मेहमत की खास खबर पर एक नजर। कांग्रेस ने निकाली युवा क्रांति यात्रा। लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस भी हमलावर हो गई है, जो अब युवा क्रांति यात्रा के सहारे यूपी में अपनी जमीन तलाश कर रही है। कांग्रेस कार्यकर्ता युवा क्रांति यात्रा के सहारे मोदी सरकार की नाकामी की पोल खोल रही है। कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश भर में चलाई जा रही यात्रा के नजीमाबाद पहुँचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। उत्साह से लबरेज कांग्रेस प्रवक्ता मलिक जावेद अंसारी ने तो यूपी से भाजपा के सफाए तक की बात कह डाली। फिलहाल उत्तर प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी दमदार प्रदर्शन करने की फिराक में है, जिसका पता लोकसभा चुनाव के बाद ही चल पाएगा। युवा रथ यात्रा चला रही है, इसका मकसद क्या है? देखिए, मकसद है नरेंद्र मोदी जी ने जो राफेल विमान सौदे में जो घोटाला किया, अनिल अंबानी के साथ मिलकर उसका हिसाब मांगने हम लोग निकले हैं। 2 करोड़ रोजगार का उन्होंने वादा किया था देश के नौजवानों को कि हम देंगे। 5 साल पूरा हो गया, 10 करोड़ रोजगार की जगह पर 10 आदमी का भी वो आंकड़ा बताने को तैयार नहीं है। तो युवाओं को ठगा गया, किसानों को ठगा गया, उद्योगपतियों का कर्जा माफ करने में लगे हैं। हम लोग देश के युवाओं और किसानों की तरफ से ये सवाल पूछने निकले हैं कि नरेंद्र मोदी जी उनका हक कब देंगे। पूरे देश में ये 16 दिसंबर से यात्रा है जो चल रही है। यात्रा कहाँ से शुरू हुई थी और कहाँ तक? 16 दिसंबर को रामेश्वरम से शुरू हुई थी, 30 जनवरी को श्रीनगर से होते हुए हम लोग लौटे हैं दिल्ली में समाप्त। युवाओं को कोई संदेश देना चाहते हैं? बिल्कुल, युवाओं को यही संदेश है कि इन बहुरुखियों के चक्कर में मत आइए। इन पाखंडियों ने बहुत धोखा देने का काम किया, आपको बहलाने और बहलाने का काम किया। आप इस लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के साथ आइए, ताकि पुनः वो जो रोजगार की चीजें बंद हो गई, जीएसटी नोटबंदी में जो तबाही हुई, उन चीजों को सुधारा जाए और देश को प्रगति और एकता के रास्ते पर आगे ले जाए। जय।